नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप अपना आधार कार्ड मात्र 2 मिनट में कैसे डाउनलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल ओपन करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ ओपन कर लिया है, इसके बाद दोस्तों आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है UIDAI। दोस्तों, इतना टाइप करने के बाद UIDAIGOV इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने पहले स्थान पर आपको UIDAI की वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो ऊपर की तरफ 3 डॉट लाइनें हैं दोस्तों, बाएं की तरफ देखेंगे, बाएं साइड की तरफ। तो दोस्तों, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर माई आधार का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको गेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन आता होगा, दोस्तों ऊपर की तरफ लिखा है डाउनलोड आधार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वर्चुअल आईडी और या आधार नंबर के जरिए आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आधार नंबर अपना फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लिया। इसके बाद दोस्तों, आई वांट ए मास्क आधार का, इस पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फिलअप जो कैप्चर है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना कैप्चर फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आ जाता है, और इस पर साफ लिखा है OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। दोस्तों, मेरा OTP आ चुका है। अब चलिए मैं दोस्तों यहाँ पे OTP फिलअप कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आपको इस पर दोस्तों यस पे आपको ट्रिक कर लेना है। इसके बाद विथ इन 5 वर्किंग 5 डे, इस पर आपको ट्रिक कर लेना है। इसको दोस्तों वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड दोस्तों आपका जो है कैपिटल के जो आपका नाम होगा, उसके आगे का जो लेटर होंगे, तो आपको आप अपने आगे के जो नाम में जो आपके जितने लेटर हैं, तो पहले से लेके 4 लेटर आपको यहाँ पे, और इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, जिसे जो आपकी ईयर है डेट ऑफ बर्थ की, आपको वो डालनी होगी, और अपना नाम डालना होगा दोस्तों। जो पहले अक्षर में 4 लेटर हो, जो 4 अक्षर होंगे दोस्तों पहले, वही आपको डालना होगा। तो जैसा कि दोस्तों, चलिए मैं दोस्तों आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आपका नाम विकास या कुछ ऐसा करके है, तो आप पहले अपना जो आगे से VIKA इतना टाइप करने के बाद दोस्तों, आपको आपका जो बर्थ हुई है, जिस ईयर में आप जन्मे हैं दोस्तों, उस ईयर का जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर, जैसे 1999 या 2000 ऐसे करके है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा 1999, मैं अपना 1999 यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप कुछ इस तरह जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे मात्र 2 मिनट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।